मैंने ये प्रोसेस में एक्चुअली मुझे रियलिस्टिक एक्टिंग पे काम करना था. अभी जो ये बैच है इसके साथ, इस स्टूडेंट्स के साथ मुझे रियलिस्टिक एक्टिंग पे काम करना था. तो मैंने मुझसे अच्छा कोई स्क्रिप्ट, इंडियन स्क्रिप्ट नहीं है जिस पर एक्टिंग पे काम किया जा सके इनके साथ. तो वो एक प्रोसेस में मैंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे 10 दिनों के बाद ऐसा लगने लगा कि क्यों ना हम इसको पब्लिक शो बनाएं. और जो अभी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें बड़ा जोश था कि सर करेंगे 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 करेंगे. बहुत सारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा क्योंकि ये एक मॉडर्न रियलिस्टिक प्ले है और इसके बाद अभी तक हिंदी में ऐसी स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई है. बहुत लिखा गया लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई. और ये एक मैन वुमन रिलेशनशिप को लेकर के इतना खूबसूरत प्ले है. बहुत सारी चीज़ें हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो इसमें इस स्क्रिप्ट में रखा गया है, कैरेक्टर्स तक लिए गए हैं. तो अपने आप में बड़ा चैलेंज था मेरे लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी, इसलिए मैंने ये स्क्रिप्ट को लिया. ये एक रियलिस्टिक प्ले है इस, और ऐसे स्क्रिप्ट है कि हम बहुत छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एडिट करने तक की गुंजाइश नहीं होती है ऐसे स्क्रिप्ट में. तो फ़र्क यही है कि बहुत सारी चीज़ों पर और बहुत सारी जगहों पर मुझे भी बनना पड़ा. उसके जो लिखा गया उसके बियॉन्ड जाने की मैं सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं पा रहा था कि कैसे जाऊँ. लेकिन दूसरी जो मैंने पहले जो मैंने नाटक किए हैं वो एक डिफरेंट मेरे नाटक सारे नाटक. सर ये जो एंडिंग में आपने डाला था कि जो टचिंग पॉइंट था, एक माँ एक बच्चे को गोदी में उठा के और पीछे आपने एक इम्प्रोवाइज करके चार लड़की को डाला, सर वो क्या था? वो एक्चुअली अंबिका है, उसकी मदर सोल. सोल को जो है चार दिशाओं से मैं लेकर के आया हूँ जो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अपनी बेटी को दे रहा है. और एक फिर से वही है कि मेरे स्क्रिप्ट में वुमेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग को, मतलब उनको दिखाया है मैंने. तो वो अंबिका आती है, उसकी मदर आती है चारों दिशाओं से. वो एक मेरा इमेजिनेशन, वो एक मेरा विजुअल है. थैंक यू सर.